हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। आज के वीडियो के टिप्स होने वाले बहुत ही ज़्यादा काम के, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बारिश में होने वाली परेशानियों से रिलेटेड बहुत ही अच्छे टिप्स और ट्रिक्स। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो बारिश में हमें छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मानी जाएगी बारिश की मेरे लिए, तो वो है कपड़ों का सूखना। बारिश में कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, तो उसके रिलेटेड भी मैं एक बहुत ही अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, आज के टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और भी अच्छे अच्छे टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करिए। सो चलिए विदाउट फर्दर डिले वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो बरसात में होने वाली एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो भी बालकनी वाला एरिया होता है हमारा, या फिर घर में भी कहीं पानी वगैरह गिर जाता है ज़्यादा, तो उसको मोप करने के लिए हमें इस तरीके का मोप अगर आपके पास होगा तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ये स्पॉन्ज वाला मोप है और ये काफ़ी चीप रेट में मिल जाएगा अगर आप लोकल में देखेंगे तो। अदरवाइज़ मैं आपका लिंक भी शेयर कर दूंगी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएगा। तो इस तरीके का मोप फ्रेंड्स काफ़ी काम आता है। तो देखिए, इसमें जितना भी पानी, अगर आप बालकनी में, क्या बार बार पानी आता ही रहता है बारिश में, बहुत दिक्कत होती है हमें बार बार साफ़ करने के लिए, तो ये स्पंज वाला मोप जो होता है ये काफ़ी काम करता है। देखिए कितना सारा पानी ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और इसको क्लीन करना भी काफ़ी ईजी है। देखिए इसमें एक हैंडल दिया गया है, इस तरीके से आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये अच्छे से प्रेस होकर सारा एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल देता है। सो इस तरीके का मोप आप ज़रूर रखिएगा। बरसात आ गई है तो मच्छर भी काफ़ी आते हैं घरों में, तो इस तरीके का नेट देखिए मैंने लगवा के लिया है डोर में, और इसको लगाने के बाद ट्रस्ट मी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ये काम करता है। मच्छर आने ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पे बंद ही हो गए, नहीं तो हैदराबाद में तो आप जानते हैं मच्छरों का कितना आतंक है, और सिर्फ बारिश में नहीं हमेशा ही रहते हैं इधर। तो मैंने सोचा ये लगा ही लिया जाए, और ये काफ़ी चीप भी मिल जाता है, और मैंने यहाँ पर है ना वेलक्रो भी लगा लिया, क्योंकि ये ना हमेशा बंद ही रहता था, तो मुझे कभी कभी दिन में इसको ओपन भी रखना है, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से वेलक्रो लगा दिया था इसके अंदर। और इसमें मैग्नेट लगे रहते हैं, आप जब भी अंदर बाहर भी जाते हैं तो ये अपने आप ही बंद हो जाता है, और अगर आपको इसको ओपन करके रखना है तो मैंने ये वेलक्रो लगाए हैं साइड में, इससे यहाँ पर देखिए साइड में इसको आप ओपन करके भी रख सकते हैं। सो आप भी लगवा सकते हैं अपने विंडो में, डोर में, कहीं भी आप इसे लगवा सकते हैं। और एक प्रॉब्लम जो आती है हमारी किचन में आती है, ज़्यादातर किचन हम कितना भी साफ रख लें, छोटे छोटे जो फ्लाइज होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो उड़ते ही रहते हैं किचन में, तो इससे काफ़ी दिक्कत होती है। इस बार मॉनसून में मुझे वैसे वो दिक्कत हुई नहीं है, क्योंकि शायद हम लोगों ने टर्माइट का करवाया था प्रेस कंट्रोल, इसीलिए इस बार कीड़े मकोड़े ज़्यादा दिख नहीं रहे हमारे घर में। अदरवाइज़ हर साल मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी। तो आप ट्राई करें कि जितने भी आपके जो बर्तन होते हैं उनको आप तुरंत ही क्लीन करके रख दें, जिससे कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े जमा भी ना हो, क्योंकि जूठन रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा कीड़े मकोड़े आने का चांसेस रहता है। और जो भी आपके स्पंज है, ये अपने जो भी यूज़ करते हैं आप, इस तरह का स्क्रबर हो गया, जो आप सफाई के कपड़े होते हैं उनको आप अच्छे से सुखाएं ज़रूर, उससे भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं। और ये मैं देखिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक बहुत ही बढ़िया इस तरीके का ग्लू वाला पैड आता है, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ये भी सस्ता मिलता है फ्रेंड्स, इसका यूज़ भी आप कर सकते हो। और इसको जहाँ भी आपको लग रहा है ज़्यादा कीड़े उड़ते हैं आपके किचन में, या फिर जिस भी एरिया में, वहाँ पर आप इसको इस तरीके से ओपन करके रख देंगे तो सारे इसमें चिपक जाते हैं। और किचन के जितने भी सफाई के कपड़े हैं, स्पॉन्ज है, स्क्रब है, इनको आप सुखाएं ज़रूर अच्छे से, अदरवाइज इसमें स्मेल भी आती है और इन्हीं की वजह से कीड़े ज़्यादा आते हैं। तो आप रात में एक बार इसको ट्राई करें कि फ़ैन के नीचे ज़रूर सुखा दें, अदरवाइज़ बाहर अगर मौसम अच्छा है या फिर ऐसी कोई जगह है जहाँ बारिश नहीं आती है, आपको हवा से सूख जाएगा, वहाँ पर ज़रूर डाल दें इन कपड़ों को। तो देखिए ये मेरे पास एक एरिया है इस तरीके से बालकनी में, यहाँ पर बारिश नहीं आती है जल्दी से, तो मैं यहाँ भी सुखा देती हूँ कई बार, अदरवाइज़ आप अंदर भी फ़ैन के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं ईजीली। बारिश में आप ट्राई करें कि हर डोर पर डोरमेट ज़रूर रखें आप अपने, क्योंकि पानी से जब भी हमारा पाँव गीला हो तो हम इस पर पोंछ के ही अंदर आए, अदरवाइज़ घर कितना भी साफ़ रखेंगे आप वो गंदा हो ही जाएगा। तो हर डोर पर आप मैट ज़रूर रखें इस तरीके से। बाहर जाते टाइम फ्रेंड्स, आजकल बारिश का मौसम है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा पर्स कैरी करना चाहिए जिसमें हमारा सारा सामान अच्छे से आ जाए। इस तरीके के छोटे स्लिंग बैग आप इस टाइम पे अवॉइड करें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इनमें हमारा ज़्यादा सामान आता भी नहीं है, जैसे कि हमें छाता ज़रूर कैरी करना होता है, अदरवाइज़ आप हाथ में ही लेके पूरा टाइम इसको कैरी करेंगे, तो इससे अच्छा है आप इस तरीके का बड़ा वाला बैग लें जिसमें आपका ये छाता भी अच्छे से आ जाए। तो ये छोटे वाले छाते होते हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं कैरी करने के लिए, तो इस तरीके का छाता रखें आप ज़रूर, और इस तरीके का एक कैरी बैग भी ज़रूर कैरी करें, जो जिसमें आप अपना बड़ा वाला बैग भी डाल सकें इनकेस अगर जल्दी से बारिश आ जाए और आपका बैग ना भीगे। और छोटे छोटे कैरी बैग भी एक दो कैरी करें जिसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो कि ख़राब ना हो, तो मोबाइल वगैरह भी रख सकते हैं, या फिर मोबाइल के पाउचेस भी आते हैं इस तरीके के मेरे पास है, देखिए इसमें भी आप रख सकते हैं मोबाइल को,
तो ये सेफ रहता है, पानी में ख़राब भी नहीं होता है। और मोबाइल में तो हमारा सारा ही डाटा होता है आजकल, तो मोबाइल को सेफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी जो हमारी डेली की चीज़ें होती हैं वो भी हमें रखनी है। और एक इस तरीके का बैग ज़रूर कैरी करें आप, कि कुछ सामान लेना हो तो वो भी हम ले सकें इजीली, अलग से हमें कोई परचेज ना करना पड़े बैग। तो मैं हमेशा रखती हूँ अपने साथ में एक बैग इस तरीके का। और फिर जो बेसिक हमारी जो भी चीज़ें होती हैं हैंकी वगैरह, वो तो ज़रूरी है वाइप करने के लिए बरसात में। और देखिए यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं, सो इसमें हमारा सारा काम का सामान आ गया है। तो आप ट्राई करेंगे इस तरीके का बैग ही कैरी करें। और जब भी आपको कहीं जाना हो, छाता आप हमेशा ऐसी जगह रखें जो आपको तुरंत ही मिल जाए। ट्राई करें डोर के पीछे ही लगा दें, क्योंकि वहाँ पे विजिबल भी होता है, अदरवाइज़ जाने के टाइम छाता ही ढूंढते रहते हैं हमेशा। स्नैकिंग का सामान जो हम मंगाते हैं मार्केट से, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, वो बरसात में काफ़ी बार सॉफ्ट हो जाते हैं और उनको खाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इससे बेटर है फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरीके का जो सामान है, पहले तो बरसात में आप ट्राई करें कि क्वांटिटी कम ही मंगाएं, ज़्यादा स्टोरेज के लिए ना मंगाएं, क्योंकि ये सब सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो देखिए रिसेंटली मैंने ये मंगाए थे पैकेट्स। सो आप ट्राई करें कि जो भी इस तरीके के सामान है उनको एयरटाइट कंटेनर में ही पैक करके रखें, अदरवाइज़ ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये नमकीन पहले से रखी हुई थी और मैं घर गई थी तभी ये सॉफ्ट हो गई है, और ये मैं रिसेंटली लाई हूँ, तो इसको मैं तुरंत ही ट्रांसफ़र कर दूँगी एक एयरटाइट कंटेनर में, जिससे कि ये सॉफ्ट ना हो। और बाई चांस अगर आपके सॉफ्ट हो गए भी हैं नमकीन या बिस्किट या चिप्स, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है अभी ये क्रिस्पी नहीं रही है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि आप एक माइक्रोवेव कर लें उसको 1 या 2 मिनट के लिए, उससे ये फिर से क्रिस्पी हो जाती है। सो देखिए अभी जितना मुझे खाना है थोड़ा सा क्वांटिटी मैं इसको माइक्रोवेव में कर लूँगी थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए लगा दूँगी, और इसके बाद में हमें थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, फिर ये वापस से क्रिस्पी हो जाते हैं। सो इस आइडिया को आप ट्राई कर सकते हैं। हम सभी को चाय कॉफ़ी पीना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और बरसात में इसकी क्वांटिटी डबल ट्रिपल हो जाती है, हम बहुत ही ज़्यादा पीने लगते हैं। तो आज मैं देखिए बना रही हूँ कॉफ़ी अपनी ब्लेंडर में। ब्लेंडर में कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो इस तरीके का ब्लेंडर मैंने छोटा सा परचेज़ किया है, जूसर के लिए मैंने किया था एक्चुअली। तो इसमें मैं कॉफ़ी भी बना लेती हूँ इस तरीके से। कॉफ़ी, चीनी और दूध को मैंने डाला है, और देख सकते हो आप कितनी बढ़िया ये कॉफ़ी बनके मेरी रेडी हो गई है इंस्टेंट, बहुत ही टेस्टी लगती है पीने में भी। ट्राई करिएगा आप भी अगर आपके पास इस तरीके का ब्लेंडर है तो। नेक्स्ट टिप देखिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर, जो बोल रही थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है हमारी कपड़े सुखाने की, उसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली। तो आपने ले लेने 2 हैंगर, और इस तरीके का कोई भी रोल आपके पास हो उसको ले लें आप, ये जो फॉइल पेपर वगैरह का रोल होता है वो है ये, उसको आपको कट कर लेना है इस तरीके से, थोड़े थोड़े गैप में 4-5 इंचेस के आप कट कर लें, जितने भी 2-3 आपके हैंगर में बैठ जाएँ उतने। और उसके बाद हमें बांध देनी है डोरी इस तरीके से, देखिए तो ये गैप में डोरी बंधे, इसीलिए मैंने वो बीच में डाला है उसमें रोल। उसके बाद हम इस तरीके से बांध देंगे देखिए, और मैंने इसको अटका दिया हैंगर्स को, देख सकते हो आप डोर में हटका दिया इसको। उसके बाद हम इसमें अपने सारे कपड़े सुखा सकते हैं इस तरीके से। तो घर में हमेशा हमें डोरी बांधने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बरसात में हम लोग घर में डोरी बांध देते हैं और गेस्ट आते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं हैंगर्स में इस तरीके से अटका के, और जब आपका काम हो जाए आप इस हैंगर्स को हटा के रख भी सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये काम करता है, इस आइडिया को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बीच में रोल लगाने की वजह से इनमें गैप रहेगा, तो आपस में कपड़े चिपकेंगे भी नहीं और अच्छे से सूखेंगे गैप रहेगा तो। और रात में आप ट्राई करें इसको इस तरीके से डाल दें, ताकि फ़ैन में दोनों काम हो जाए, हम सो भी लें अच्छे से और हमारे कपड़े भी सूख जाएँ। और नेक्स्ट डे आप इसको हटा के इस तरीके से रख भी सकते हैं। ये आइडिया मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, बट सोचा मानसून का टाइम है तो फिर से शेयर किया जाए। नेक्स्ट आइडिया अगेन कपड़ों को लेके ही है, इस तरीके की बास्केट अगर आपके पास है तो ले लें, या फिर कोई भी ऐसा टब टाइप का या प्लेट टाइप की आप ले लें, जिसमें आप होल कर सकते हैं प्लास्टिक की हो तो उसकी मदद से होल कर लें। इसमें ऑलरेडी है देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पिंस ले लिए अपने जितने भी थे, उसके बाद इसमें रबर बांध लिया है। रबर के बाद हम इसमें इसको इस तरीके से अंदर की तरफ डाल के इस तरीके से घुमा के, ये देखिए इस तरीके से हमें नॉट लगा देनी है इसमें। तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े गैप में आप जितनी चाहे उतनी क्लिप लगा सकते हैं। तो इसमें जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं हमारे घरों के, वो आप सुखा सकते हैं। तो इसको आप या तो जो अभी मैंने आपको दिखाया जिसमें कपड़े सुखाने का, उस पर टंगा दें, या फिर बालकनी में भी कहीं भी किसी भी एरिया में आप लगता है वहाँ पर इसको टंगा सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और इस तरीके का देखिए मैंने एक एस हुक ले लिया है, और इसमें छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं काफ़ी अच्छे से सूख जाते हैं। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा, और बरसात में जो कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम है उससे आपको राहत मिलेगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है हमारे घरों में बारिश के टाइम पे, वो है एक अजीब सी स्मेल आने लगती है घर में। तो उस टाइम पे आप ट्राई करें कोई भी एक इस तरीके का जो फ्रेग्रेंट होता है आप ज़रूर यूज़ करें घर में, अच्छी सी खुशबू आने के लिए।
तो ये मेरे पास डिफ्यूज़र है, देखिए मैंने ऑनलाइन मंगाया था ये, इससे इलेक्ट्रिक से काम करता है। इसके अलावा आप लेंगे तो अलग अलग टाइप के आपको मिल जाएंगे डिफ्यूज़र, काफ़ी सारी वैरायटीज़ में आते हैं ये। तो मेरे पास ये है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसके बाद जो अपने मनपसंद इसमें अलग अलग फ्लेवर्स के आए हुए हैं, अलग अलग फ्रेग्रेंस, तो मैंने उसमें से एक डाल दिया है और घर में काफ़ी अच्छी खुशबू हो गई है अब। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको, या फिर अगरबत्ती वगैरह भी आप जला सकते हैं अच्छी खुशबू के लिए। नेक्स्ट आइडिया मेरा फ्रेंड्स, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं घर में, किचन में स्पेशली, जो कि अभी जैसे मैंने बताया आपको मॉइस्चर पकड़ लेती हैं, काफ़ी बार दाल भी होती हैं, या फिर ऐसे कोई डब्बे हैं आपके जिसके कवर टूट गए, मेरे पास एक दो डब्बे ऐसे भी हैं जिसके कवर भी टूट गए हैं, तो उसमें अच्छे से वो एयरटाइट नहीं रहे अब, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इस तरीके का पॉलोथीन ले लिया मैंने, थिन पतला वाला, और उसके बाद मैं इस तरीके से कटिंग कर लिए इसकी साइज़ के हिसाब से, देखिए। और इसका ढक्कन जो था ना लूज़ है थोड़ा सा, ये है तो एयरटाइट कंटेनर ही, बट इसका ढक्कन थोड़ा सा लूज़ है, तो मैंने सोचा इसके अंदर पॉलीथीन को यूज़ किया जाए। तो आपके पास अगर एयरटाइट कंटेनर नहीं भी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला एयरटाइट कंटेनर नहीं है, तो इसमें मैं पॉलीथीन को इस तरीके से डबल करके यूज़ करूँगी। तो आप भी इस आइडिया को ट्राई करिए, अदरवाइज़ आपके जो भी सामान है उसमें मॉइस्चर पकड़ लेगा और फिर वो अच्छे भी नहीं लगेगा खाने में। तो देखिए इस तरीके सिंपल हमें कटिंग्स लगा देनी है, और सिर्फ बरसात के टाइम ही हमें इसे यूज़ करना है, अदरवाइज हम वापस इसको हटा देंगे सबको, क्योंकि इनसे लुक तो इसका ख़राब होता है, बट हमें इसे कैबिनेट के अंदर रखना है तो मुझे चल जाता है ऐसा। सो आप इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए ये देखिए कुछ कुछ लिड भी इसके टूट गए हैं, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करूँगी इसको। वैसे मैंने इसके लिड्स ऑर्डर कर दिए हैं अभी ऑनलाइन, इसके थोड़े टाइम में आ जाएंगे तो मैं इसको चेंज कर दूँगी। अगर आप प्लांट्स लेने की सोच रहे हैं, आप भी प्लांट लवर हैं मेरे जैसे, तो यही बेस्ट टाइम है फ्रेंड्स प्लांट्स लेने का। तो यहाँ मैं कुछ और प्लांट्स खरीद के लेके आई हूँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना कहीं लंबे टाइम के लिए, तो आने के बाद प्लांट थोड़े बहुत ख़राब हो ही जाते हैं, सो मैं थोड़े थोड़े टाइम में खरीदते रहती हूँ कुछ ना कुछ। और यहाँ पर मैं आज दो तीन प्लांट्स खरीद के लाई हूँ, उसमें एक रोज़ का है, एक रबर प्लांट है और एक तुलसी खरीद के लेके आई हूँ, और एक बड़ा सा एक पॉट भी खरीद के लेके आई हूँ। मैंने सोचा इस बार है ना धनिया उगाया जाए, एक बार और मैंने ट्राई किया था बट उस टाइम हुआ नहीं था, हम लोग बाहर चले गए थे तो वो धनिया हुआ ही नहीं अच्छे से उसमें पानी की वजह से, कमी की वजह से। तो इस बार बारिश का टाइम है तो सोचा ट्राई किया जाए, और मैंने कभी भी कोई सब्जी नहीं उगाई है, तो इस बार मैं सोच रही हूँ बालकनी वाला गार्डन बनाया जाए अपनी सब्जियों के लिए। तो ये कोकोपीट भी मैंने मंगा के रखती हूँ घर पर भी, कभी भी प्लांट्स में डालने का काम आता है, तो वही मैंने यहाँ थोड़ा सा तोड़ लिया है, और यहाँ हम लोग ओवरनाइट इसको सोक करके रख देंगे, नेक्स्ट डे इसको मैं फिर से रिपोर्ट करूँगी अपने कुछ कुछ प्लांट्स को, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा ही भिगा दिया है। और ये धनिया था मेरे पास, ये धनिया को मैंने ओवरनाइट इसको देखिए थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से भिगा दिया था कपड़े के अंदर ही, तो मेरे हस्बैंड ने बताया था कि ऐसे करो तो अच्छे से ग्रो करेगा, उनको है थोड़ा बहुत आइडिया इसका, सो वही मैंने फॉलो किया उसको अच्छे से। और अब देखते हैं ये आएगा कितने दिन में, रिज़ल्ट तो आपके साथ शेयर करूँगी ही जब भी आ जाएगा तब। तो मुझे बाद में लगा कि मैंने ज़्यादा ही भिगा दिया, फिर भी मैंने इसको ज़्यादा जितना था उतना डाल दिया है सारा के सारा, तो देखते हैं अभी कैसा होगा। तो ये आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं कुछ करने के तो यही बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइम आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है बरसात में, प्लांट्स को देख रेख करनी नहीं पड़ती, अपने आप ही अच्छे से ग्रो करते हैं सभी। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और आगे ही ऐसी और अच्छी अच्छी टिप्स सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।